शेर और चूहा की कहानी। जंगल में एक शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो जंगल का राजा था। एक दिन वो शिकार करके थक गया था और वो आराम कर रहा था। तभी एक चूहा बिल से बाहर आकर शेर के घर के पास पहुंचा। शेर को देखकर बोला, ये कितने बड़े शेर हैं, कितने बड़े बड़े आँखों हैं, कितने बड़े बड़े दांत हैं, इसलिए सारे जंगल के जानवर उनसे डरते हैं। ये तो सो रहे हैं, मैं इनके घर देख कर आता हूँ। तभी शेर के आंखें खुल गया और वो चूहे को अपने पंजे से दबोच लिया और बोला, आज मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे जैसे छोटे जानवर को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। आप जंगल का राजा हैं, आप तो इतने बड़े बड़े शिकार करते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके कभी भी काम आ सकता हूँ। चलो, मैं तुझे छोड़ दिया, आज भी मेरा पेट भरा हुआ है, आज मैंने बहुत शिकार की है। जाओ और यहाँ पर कभी मत आना, जाओ। धन्यवाद। एक दिन शेर जब तालाब के पास पानी पीने पहुंचा, तब एक शिकारी ने उसके ऊपर जाल बिछा दिया और शेर उसमें फंस गया। जोर से दहाड़ने लगा, या। उसका शोर सुन के चूहा बोला, ये तो हमारे राजा जी का आवास है, लगता है वो किसी मुसीबत में है। चूहा शेर के पास पहुंचा और बोला कि हम उस जाल को काट देंगे, और वो जाल को काट दिए और शेर दहाड़ने लगा और शिकारी वहां से भाग गया। शेर और चूहा दोस्त बन गए।